विश्व पर्यावरण दिवस पर मुखिया प्रतिनिधि ने पौधारोपण कर किया लोगों को जागरूक। बघा एक प्रखंड स्थित पतिलार पंचायत में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के द्वारा पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ करने हेतु यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्राकृतिक की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। आज बाढ़, सुखाड़, विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदा, ग्लोबल वार्मिंग आदि की समस्या का मुख्य कारण पेड़ों को हो रही अंधाधुंध कटाई का परिणाम है। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत पंचायत में अब तक के कार्यकाल में 12,000 से अधिक सरकारी और निजी भूमि पर पेड़ों को लगाया जा चुका है, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष वन पोषक के रूप में रोजगार पाए हुए हैं। साथ में ग्राम सेवक राहुल कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक गोविंद कुमार, आपदा मित्र अभिनंदन कुमार, कृष्णा पासवान, जगदीश पासवान, प्रहलाद चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज पूरी दुनिया में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हम लोगों ने पेड़ लगाने का संदेश दिया है और खुद भी पेड़ लगाए। आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और इस साल हम लोग देख रहे हैं कि बारिश उतनी नहीं हो पा रही है, तापमान जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। बिहार का तापमान 50 गया, दिल्ली का 53-54 गया। इसको देखते हुए हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि पेड़ लगाएँ, पर्यावरण को बचाएँ। हर साल हम लोग मनरेगा से कुछ ना कुछ पेड़ लगाते हैं और अभी हम लोग का लगभग 10 से 12 हज़ार पेड़ हम लोग लगा चुके हैं सरकारी और निजी तौर पर। इस वर्ष भी हम लोग का पेड़ लगाने का लक्ष्य है और हम लोग पेड़ लगाएंगे पंचायत में।